नेक्स्ट मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल. और फर्स्ट एग्जांपल फॉर द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द रूट्स बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये जो थर्ड टर्म है दैट मीन्स अगर आप माइनस 48 के रूट्स फाइंड करोगे विच इज हैविंग सब्सट्रैक्शन प्लस 8, यू विल नॉट गेट द रूट्स. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द सम फॉर्मूला देयर टू फाइंड आउट द योर थर्ड टर्म. एंड उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है आपको, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका वैल्यूज आपको पुट करनी है 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का कोएफिशिएंट क्या है इन अवर गिवन इक्वेशन, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 8. सो यू हैव टू पुट हियर 8 ब्रैकेट क्लोज एंड देयर इज अ ब्रैकेट का स्क्वायर इज देयर. सो इट इज इक्वल टू सॉल्व दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 1s are 2, 2 4s are 8, सो इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. सो योर थर्ड टर्म इज 16. सो यू गेट योर थर्ड टर्म. सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन x स्क्वायर प्लस माइनस 48 एज इट इज, सो प्लस 8 as it is plus 8x as it is. Now after finding the third term you have to put this third term in your equation. Once you have to write down plus 16 and then you have to write down the minus 16. So आपको एक बार plus 16 लिखना है and then you have to write down the minus 16. ये इसलिए हमने किया है because not to change the value of the इक्वेशन. सो प्लस 16 माइनस 16 इज बैलेंस हियर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वेशन एज इट इज. सो इट इज इक्वल टू दिस इज योर इक्वेशन एंड दीज आर योर कॉन्स्टेंट. सो चेक करना है आपको ये जो टर्म है ये कौन से इक्वेशन का होल स्क्वायर है. सो फर्स्ट टर्म इज एक्स, हियर इज अ प्लस सिंबल सो राइट डाउन प्लस एज इट इज एंड यू हैव टू चेक. दिस इज अ शॉर्टकट. आपको ये चेक करना है कि ये जो 16 है वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर है. सो इट विल बी 4. सो यू कैन राइट डायरेक्टली राइट x प्लस 4 होल स्क्वायर. अगर आप ये चेक करना चाहते हो x प्लस 4 होल स्क्वायर, सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो आंसर विल बी x square plus 8x plus 16. So write down remaining minus minus is plus symbol of greater number 1464 is equal to 0. So minus 164 is equal to 0. So addition is का हमने कर दिया है, it is minus 64. So it is equal to अभी ये चेक करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस दिस 64 कौन सी वैल्यू का स्क्वायर है 8. सो यू कैन राइट हियर 8 स्क्वायर ऑल्सो, 8 स्क्वायर इज 64, इट इज इक्वल टू 0. सो यू कैन पुट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी a plus b. You can use here. Therefore, our a is compare karna hai, comparing when you are comparing a plus, sorry, first bracket a minus b. B is 8 and second a is x plus 4 and b is our plus 8 equal to 0. So you will get both brackets. So you have to comparing, first of all solve the bracket x, this plus minus will be minus, so it will becomes minus
4 and x plus 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 will be plus, so it will becomes 12 is equal to 0. So we have solved the brackets, so we have to find the solution. X minus 4 is equal to 0 and x plus 12 is equal to 0. Therefore x is equal to plus 4 ka pe shift karna hai, so it will becomes minus 4 will be, when aap shift kar doge it will minus will be plus, and x is equal to this minus plus 12 will be minus 12. So you get your roots x is equal to 4 and x is equal to minus 12 are the roots of given quadratic equation. So हमने given equations के root find किए हैं by using completing square method.